हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सी इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर पर्सन कॉमर्स क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट की है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है आज हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी क्या है। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमी क्या है, पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो लोग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जैसे कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। टू अर्न देयर लिविंग, ताकि क्या कर सके, अपनी लिविंग यानी एक जीवन यापन कर सके, कुछ कमा सके। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं ताकि कुछ कमा सके। इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि टू अर्न देयर लिविंग, अपना जीवन यापन कर सके, कुछ अर्न कर सके इनकम। जैसे टीचर कहाँ जाता है, स्कूल, हम स्कूल जाते हैं किस लिए, अपनी इनकम अर्न करने के लिए, ताकि अपने जीवन यापन जो है पूरा कर सके। डॉक्टर गो टू हॉस्पिटल, डॉक्टर कहाँ जाता है, हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल जाता है। फार्मर कहाँ जाता है, खेती करने के लिए, अपने खेत में जाता है ताकि वहां पर कुछ प्रोडक्शन कर सके और कमा सके। ठीक है, सेल करके। इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ जाते हैं, देयर इंडस्ट्रीज में जाते हैं। ठीक है, द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ एन एरिया वुड रिवील अ सिस्टम बाय व्हिच पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। देखिए यहां से समझिए, नेचर एंड लेवल, नेचर यानी क्या काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है, ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट करता है, पेशेंट्स को ट्रीट करता है, उसकी बीमारी को दूर करता है, उसको इलाज करता है, उसको बीमारियों से जो है छुटकारा दिलाता है। ये नेचर है, उसको ट्रीट करता है वो पेशेंट को। एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन से लेवल है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कहाँ पर वो ये कार्य कर रहा है। ठीक है, मतलब रिच है, पुअर, ये सब लेवल कहलाए जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी परफॉर्म बाय पीपल, जो पीपल है वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिस एरिया में, वुड रिवील अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ दैट एरिया ऑन देयर लिविंग। ठीक है, देखिए फिर नेचर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो नेचर एंड लेवल है, जो लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाता है एरिया में, वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं कि वहां पर वो काम इसलिए कर रहे हैं, वो इस एक्टिविटी को इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि अर्न कर सके देयर लिविंग। ठीक है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी, इस सिस्टम को ही कहते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमी सिंपल वर्ड में अगर कहें तो अर्न देयर लिविंग, लिविंग करने के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है उसे कहेंगे इकोनॉमी। उसे क्या कहेंगे, इकोनॉमी, जो की एक्टिविटी की जा रही है अपने अर्न देयर लिविंग, लिविंग के लिए जो एक्टिविटी की जा रही है उसे कहेंगे इकोनॉमी। जैसे यहाँ भी है, अब डिपेंड होता है कि ये लेवल कैसा है, हाई है या लो है। जैसे कि जो फार्मर है काफी रिच है, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसके पास काफी अच्छी लैंड है, ठीक है, एरिया उसके पास ज्यादा है, तो उस वो रिच रिच काफी मात्रा में प्रोडक्शन कर पाएगा, तो अर्न करेगा अपना लिविंग ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा, तो वहां लेवल उसका हाई रहेगा। वहीं अगर छोटा फार्मर है, मीन्स उसके पास अपनी लैंड भी नहीं है, हालांकि दूसरे की लैंड पर कर रहा है, तब कुछ जीवन यापन के लिए कुछ कमाता है, तो वो कहलाया जाएगा उसका लेवल यानी काफी कम है, यानी लो लेवल पर कार्य वो कर रहा है, जिसके द्वारा वो अर्न कर रहा है अपनी लिविंग। इस सिस्टम को कहा जाएगा इकोनॉमी। ठीक है, होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आगे, इकोनॉमी वह सिस्टम है बाय विच पीपल ऑफ एन जो एरिया ऑन देयर लिविंग, ठीक है, जिस भी एरिया में जाकर वो अपनी कमाई अर्न कर रहे हैं उसे कहेंगे कैसी है, उसे कहेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरा ही एरिया एग्रीकल्चर का है, तो वहां हम कहेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर से ही व्यक्ति अर्न करता है अपनी अपनी अर्न करता है, अपनी प्रॉफिट अर्न करता है, अपनी जीवन यापन के लिए जो है कुछ कमाता है, तो वहां एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के द्वारा ही इकोनॉमी यानी कमा रहा है। ठीक है, तो उसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्री के द्वारा कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। इसके बाद आता है सिंपल इकोनॉमी क्या है, एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पता है कि सारे ही, एक अकेला व्यक्ति सारा जो है कार्य नहीं कर सकता, गुड्स एंड सर्विसेज का सारा जो है खुद नहीं कर सकता, उसे दूसरे व्यक्ति की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे प्रोडक्शन खुद नहीं कर सकता, लेबर की जरूरत होती है, ठीक है, सारा पैसा खुद नहीं लगा सकता, मनी की जरूरत होती है सब।
एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल, व्यक्ति जो है खुद कैपेबल नहीं होता कि सारी ही गुड्स एंड सर्विसेज को जो उसे जरूरत है, ठीक है, ताकि उसकी वॉन्ट सेटिस्फाई हो सके, वो खुद ही प्रोड्यूस कर सके। ही डिपेंड अपॉन अदर, वो दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई इंडिविजुअल है, कोई भी, चाहे आप हम ले लीजिए, पॉसिबल नहीं है कि सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो वो चाहता है, जो उसकी वॉन्ट्स है, वो सारा खुद ही क्या कर ले, प्रोड्यूस कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसे दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है किसी न किसी वस्तु के लिए, ठीक है। ही डिपेंड ऑन अदर, इफ यू आर अ टीचर, जैसे आप टीचर हैं तो स्टूडेंट डिपेंड अपॉन यू फॉर देयर एजुकेशन। तो स्टूडेंट, अगर आप टीचर तो स्टूडेंट डिपेंड है ताकि आपसे टीचिंग, आपसे एजुकेशन ले सके। आप भी स्टूडेंट पर डिपेंड है, स्टूडेंट भी आप पर डिपेंड है। दूसरे शब्दों में, डिपेंड अपॉन अ बेकर फॉर द ब्रेड, टेलर फॉर स्टिचिंग योर क्लोथ। जैसे कि बेकर है, ठीक है, डिपेंड होता है फॉर द ब्रेड अपनी रोटी के लिए, ठीक है, उसी के द्वारा उसकी रोजी रोटी होती है। अब टेलर फॉर स्टिचिंग योर क्लोथ, और टेलर है, ठीक है, तो स्टिच करता है क्लोथ, ठीक है, उसके द्वारा ही वो अपनी इनकम जनरेट करता है। अ मेड सर्वेंट फॉर डोमेस्टिक हेल्प, मेड की जरूरत होती है डोमेस्टिक हेल्प के लिए, ठीक है। एंड सो ऑन, इसी तरीके से एक व्यक्ति सारा ही कार्य खुद नहीं कर सकता, ठीक है, उसे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे टीचर को जरूरत होता है स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट को भी टीचर की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसे ही सर्वेंट की जरूरत होती है ताकि हम डोमेस्टिक हेल्प उनसे ले सके, हमें भी उनकी जरूरत है सर्वेंट की, उन्हें भी हमारी जरूरत है ताकि हम, हमारे द्वारा वो कुछ अर्न कर सके। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लीड टू एक्सचेंज, और इसी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर निर्भर। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर निर्भर, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर। कैसे, जैसे टीचर, टीचर का अस्तित्व तभी है जब स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट टीचिंग तभी ले, एजुकेट तभी हो पाएगा जब वो, जब टीचर होंगे। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, टीचर स्टूडेंट, टीचर टीचर तभी कहलाया जाएगा जब स्टूडेंट है, और स्टूडेंट एजुकेट तब हो पाएगा जब टीचर, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, और इसी के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, एक्सचेंज। इसके द्वारा क्या उत्पन्न हो जाता है, एक्सचेंज उत्पन्न हो जाता है। एक्सचेंज यानी टीचर अपनी क्या दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे जैसे ट्यूशन पर दे रहे हैं, ठीक है, बदले में स्टूडेंट क्या दे रहा है, ट्यूशन फीस दे रहा है, ठीक है, तो ये कहलाया जाता है एक्सचेंज। इसके बाद आता है, अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एक्सचेंज आर कोर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमी। जो इकोनॉमी का कोर एलिमेंट है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी कुछ अर्न करना, लिविंग, कुछ अर्न करना, वो कहलाया जाता है इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन अर्न कर तो तब करेंगे जब हम उन्हें कुछ देंगे, ठीक है, लेबर को वेजेस तब मिलेगी जब वो कुछ कार्य करेगा। तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होता है, एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज कोर एलिमेंट है इकोनॉमी का। सिंपल इकोनॉमी वह होती है विद द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज ऑफ अ मॉडरेट डिग्री। सिंपल इकोनॉमी वो होती है जहां पर ये जो एक्सचेंज है काफी मॉडरेट डिग्री पर होता है। कैसे होता है, काफी मॉडरेट डिग्री पर होता है, बहुत भारी मात्रा में यहाँ नहीं होता, ठीक है, उसे बोलते हैं सिंपल। ऐसा कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होता है कि बहुत ज्यादा ही एक दूसरे पर निर्भरता रहती है। और सिंपल इकोनॉमी जिसमें डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एक्सचेंज ऑफ मॉडरेट डिग्री यानी निर्भरता एक बहुत ज्यादा नहीं होती कि इसके बिना हम काम ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, निर्भर है लेकिन कम है। और सिंपल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स विद ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी से क्या है, बिल्कुल अलग है। इन सिंपल इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंस एक्सचेंज, ठीक है, कम होता है, वही कॉम्प्लेक्स। दो इकोनॉमी होती है, एक तो सिंपल है और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में निर्भरता बहुत मोर है और इसमें निर्भरता कॉम्प्लेक्स से कम होती है, जो इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। इसके बाद आता है, फीचर ऑफ सिंपल इकोनॉमी आर ब्रीफ अंडर दिस। इस देखिए, अब एक एग्जांपल यानी कि डिफरेंस के माध्यम से मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या अंतर है। जैसे फर्स्ट, सिंपल इकोनॉमी इनकम लेवल ऑफ पीपल इज लो, क्योंकि ज्यादा निर्भरता यहाँ नहीं है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ ये छोटे लेवल पर होता है तो इनकम का स्तर लो है, यहाँ इनकम का स्तर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। इसके अलावा वॉन्ट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो न्यूमरस यानी विशाल, न्यूमरस यानी एक तरीके से विशाल होना। वॉन्ट्स तो अनेक होती है लेकिन वॉन्ट्स बहुत ज्यादा नहीं होती, यहाँ वॉन्ट्स
अनलिमिटेड है लेकिन विशाल नहीं है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक तरीके से गरीबी वाला पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड्स है विशाल होती है, ठीक है, यहाँ नोट है, न्यूमरस नहीं है, विशाल नहीं है, यहाँ पर विशाल होती है, ठीक है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आगे आते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पर जो इंटरडिपेंडेंस है वो लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरडिपेंडेंस है काफी मोर होता है, काफी, यहाँ हर वर्ड को मोर आप यूज करना है, कॉम्प्लेक्स में मोर ही आना है, ठीक है, हाई होता है। डिग्री एक्सचेंज, इंटरडिपेंडेंस के बाद ही एक्सचेंज शुरू होता है, इंटरडिपेंडेंस यानी आप मुझ पर डिपेंड है, मैं आप पर डिपेंड हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं तभी जो है क्या उत्पन्न होता है, एक्सचेंज उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज यहाँ लेस है यानी, और यहाँ पर एक्सचेंज क्या होता है, काफी मोर होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये कहलाया जाता है कॉम्प्लेक्स और सिंपल। जैसे कॉम्प्लेक्स आप कह भी सकते हैं जहाँ बहुत ज्यादा निर्भरता है उसके बिना नहीं, जैसे स्टूडेंट्स है तो वैसे उनको अपने, जैसे स्टूडेंट्स है तो वो एजुकेट तब होंगे जब स्कूल होंगे, स्कूल बिना उनका अस्तित्व नहीं है। तो स्टूडेंट को अगर स्कूल से जोड़ दिया जाए, स्कूल नहीं होंगे तो वो एजुकेट बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, स्कूल होंगे तो टीचर भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज्यादा क्या होता है, एक दूसरे पर ही बहुत ज्यादा निर्भर है, तो वो एक तरीके से आप कॉम्प्लेक्स हो। जहां बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है, ठीक है, तो एक सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, तो वो आप कह सकते हैं सिंपल इकोनॉमी होती है, ठीक है। अब आता है जैसे कि मान लीजिए स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन ट्यूशंस की इतनी खास जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है आप पर ट्यूशन जाते हैं नहीं, कहीं ना कहीं वह निर्भरता इतनी नहीं है कि एक और टीचर आप हायर करें अपनी स्टडी के लिए, तो वहां इतनी निर्भरता नहीं है। मेन निर्भरता की बात करी, वहां इतनी निर्भरता नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप निर्भर हो रहे हैं, तो वो आप उसको सिंपल में आप जो है इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये है सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी। क्या क्या टाइप है इकोनॉमी के और क्या क्या जो है ऑर्गेनाइजेशंस की, कौन कौन सी इकोनॉमी होती है। तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने बताया था, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ये सब कहलाई जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। आर कंट्रोल रेगुलेट बाय गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है कंट्री में। बट द डिग्री ऑफ कंट्रोल वेरियस अक्रॉस डिफरेंट नेशन, लेकिन ये जो कंजप्शन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एक्सचेंज है, ये सभी जो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन हर एक राष्ट्र का, हर एक देश में ये अलग सिस्टम है, ठीक है। चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया में कंट्रोल बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है एक्टिविटी पर। वही कुछ इकोनॉमी है जहां पर सच इकोनॉमी, जहां पर ये कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, उसे कंट्रोल इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा यहाँ कंट्रोल होता है, क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, किसके लिए, सब गवर्नमेंट का इस पर ज्यादा जो है कंट्रोल रहता है। इसके अलावा जो इकोनॉमी सेकेंड देयर इकोनॉमी जहां पर कंट्रोल कम है देन फर्स्ट से, तो उसे बोलते हैं फ्री इकोनॉमी, ठीक है, या मार्केट इकोनॉमी, जैसे यूएसए, यूके इसके एग्जाम्पल है। वही थर्ड इकोनॉमी जहां पर कंट्रोल क्या होता है, काफी मॉडरेट होता है, कंट्रोल मॉडरेट है भी और फ्रीडम भी है, तो उसे बोलेंगे मिक्स इकोनॉमी, जैसे कि हमारे इंडिया की, ठीक है, पाकिस्तान में मिक्स इकोनॉमी है। अब आता है इनमें क्या अंतर है, सेंट्रल प्लांट, फिक्स, फ्री और मिक्स इकोनॉमी। तो देखिए सेंट्रल इकोनॉमी, दूसरा है फ्री इकोनॉमी और थर्ड है मिक्स इकोनॉमी। क्या अंतर है इसमें, वर्ड क्या प्रोडक्शन करना है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वर्ड हाउ यानी कौन सी टेक्निक यूज करनी है, फॉर हूम किसके लिए वस्तु बनानी है, ये सब किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट का कंट्रोल। यहाँ पर व्हाट, हाउ, फॉर हूम, ये डिसीजन किसके लिए लिए जाते हैं, प्रोड्यूसर खुद फ्री होता है डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पर दोनों को ही फ्रीडम होती है, गवर्नमेंट का भी और प्रोड्यूसर भी फ्री होता है प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट का अपने रेलवे पर कंट्रोल है, प्रोड्यूसर फ्री है प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे देखिए दीज आर इकोनॉमी जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ पर मार्केट फोर्स यानी प्रोड्यूसर फ्री है मार्केट डिमांड सप्लाई पर, ठीक है, और यहाँ पर दोनों ही रेगुलेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी और मार्केट फोर्स। प्रोड्यूसर को आप कह सकते हैं मार्केट फोर्स, क्या कह सकते हैं, मार्केट फोर्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइव बाय मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। बेटा यहाँ पर जब गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है तो गवर्नमेंट का मोटिव सिर्फ एक ही होता है, सोशल वेलफेयर। इनका जो मोटिव है वो सोशल वेलफेयर, यहाँ प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो इसका प्रोड्यूसर किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए।
यहाँ पर मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर का काम करती है, ठीक है, ट्रेन है तो वो गरीबों के लिए भी है अमीरों के लिए भी है, सोशल वेलफेयर और प्रोड्यूसर अपना क्या कमा सकता है, प्रॉफिट, तो ये इसका मेन मोटिव है। आगे द कंज्यूमर इज नो सोवर्ज, यहाँ पर कंज्यूमर को मान्यता नहीं दी जाती, प्रभु सत्ता नहीं होती, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, ठीक है, यहाँ पर प्रभु सत्ता है किसकी, कंज्यूमर की, कंज्यूमर का बोलबाला है, जो कंज्यूमर डिमांड करेगा वही वस्तु बनेगी, यहाँ पर मिक्स होता है गवर्नमेंट का अपना और कंज्यूमर का अपना। देखिए कंज्यूमर इज सोवर्ज हाउएवर एंश्योर द सप्लाई एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर, यहाँ पर दोनों का ही है, कंज्यूमर का भी बोलबाला है और गवर्नमेंट जो गरीब व्यक्ति है उसको क्या करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जो राशन की दुकानों पर क्या प्रदान करती है, गुड्स प्रदान करती है, ठीक है, थर्ड ये अंतर है। इसके बाद मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल, यहाँ सारे रिसोर्सेज जो डिसीजन है, ठीक है, डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा, यहाँ मार्केट फोर्स, और यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट भी और मार्केट फोर्स यानी प्रोड्यूसर भी होता है, ठीक है। अगला मोस्ट रिसोर्सेज कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, डिसाइड करती है व्हाट प्राइस ऑफ गुड्स आर टू बी सोल्ड, यानी कौन से प्राइस पर वस्तु बिकेगी, यहाँ पर डिटरमाइन होता है गुड्स का प्राइस, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट राशन की दुकानों पर, ठीक है, वस्तु पहुंचाती है, वह गवर्नमेंट का मार्केट फोर्स, बाकी जो कंपनीज है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट बना सकती है, उसका प्राइस डिटरमाइन कर सकती है मार्केट डिमांड और सप्लाई के द्वारा। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पब्लिक सेक्टर का डिनोमिनेट होता है या प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा प्रभुसत्ता होती है, यहाँ पब्लिक प्राइवेट दोनों ही सेक्टर होते हैं, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर होते हैं, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है, और यहाँ पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर होते हैं, ये होता है अंतर। व्हाट हाउ डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा, यहाँ मार्केट फोर्स गवर्नमेंट प्रोड्यूसर यानी मार्केट फोर्स दोनों, ठीक है, मेन मोटिव सोशल वेलफेयर, ये प्रॉफिट गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर और ये प्रॉफिट, ठीक है, कंज्यूमर की कोई सत्ता नहीं है, गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी, ठीक है, कंज्यूमर की सत्ता है, जो कंज्यूमर चाहेगा उसके अकॉर्डिंग ही वस्तु बनाई जाएगी, या दोनों का है, कंज्यूमर और गवर्नमेंट का, डिसीजन गवर्नमेंट लेती है कि प्राइस क्या डिटरमाइन किए जाए, यहाँ पर मार्केट जो है प्राइवेट, यहाँ पर मार्केट फोर्स द्वारा डिटरमाइन होते हैं, प्राइस फ्री है, या गवर्नमेंट अपने डिस्पीडियस है, राशन की दुकानों पर वस्तु पहुंचाती अपना प्राइस है और मार्केट में अपना प्राइस मिलता है वस्तु का, यहाँ पब्लिक सेक्टर का बोलबाला है या प्राइवेट का, या पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों ही सेक्टर का डिनोमिनेट होता है, दोनों की ही डोमिनेट होता है, दोनों की ही प्रभुसत्ता होती है। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा और इसको अच्छे से करने की जरूर कोशिश की।